जय माता दी। दोस्तों एक और नई वीडियो में जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा इस समय उपस्थित हूँ माता श्री वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में। देख सकते हैं जी यहाँ पर आपको दर्शन करवाए जा रहे हैं माँ भगवती के पवित्र भवन के, और आज की वीडियो के माध्यम से आपको भवन के बारे में अपडेट दिया जाएगा, आपको सांझी छत लेके जाया जाएगा, आपको भैरव घाटी लेके जाया जाएगा और देंगे आपको बर्फबारी के बारे में अपडेट। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप भी कैसे अटका आरती में बैठ सकते हैं। आ जाए जी मेरा चौथा दिन भवन पर, और अगर बात करें इच्छा तो आज भवन पर रुकने की है लेकिन आज की बुकिंग नहीं है मेरे पास। देख लेंगे जी माता रानी की आज्ञा होगी तो रात में ज़रूर भवन पर रुकेंगे। और इसी नोट पर अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए जगत जननी माता श्री वैष्णो देवी जी की जय। जय माता दी। देख सकते हैं जी सुबह सुबह आपको दर्शन करवाए जा रहे हैं माँ भगवती जी के। देख सकते हैं सामने है माता भगवती जी का पवित्र भवन। बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं जी। और इस साइड आप देख रहे हैं इस साइड लाइन लगी हुई है रोपवे के लिए। जय माता दी। और साथ में रोपवे भी आ गया है जो कि भैरव घाटी से भवन पर श्रद्धालुओं को लेकर आया है। देख सकते हैं जी श्रद्धालुओं ने यहाँ पर हमें कनेक्ट किया जो कि पटना से आया है। कैसी रही जी यात्रा आपकी? बहुत अच्छी रही। दर्शन कैसे हुए माँ भगवती के? बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत संतुष्टि मिली। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तेजी सुबह सुबह आपको सबसे पहले लेकर जाया जा रहा है भैरव घाटी तक। रोपवे की लाइन एकदम खाली पड़ी है अभी के लिए, देख पा रहे होंगे आप सभी। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा फैसिलिटी है या नहीं मेडिकल की, तो देख सकते हो जी भवन पर एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है, कटरा में भी एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है और यात्रा मार्ग पर भी एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है आप इनके नंबर्स पर, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और एम्बुलेंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करती है। जहाँ से हम टर्न ले लेंगे आपको भैरव घाटी लेकर चलते हैं, पैदल ही जाएंगे जी आज भी भैरव घाटी तक और आपको दिखाएंगे सारा दृश्य भैरव घाटी से। जय माता दी। भैरव घाटी जाने से पहले आपको अपडेट देना चाहूंगा कि आज 5 फरवरी सोमवार के दिन सुबह प्राचीन गुफा खोल दी गई है 10:30 बजे और काफी श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन भी कर लिए हैं। और अगर बताऊं तो 3 नंबर गेट पे अब बहुत लंबी लाइन लग गई है जो कि श्रद्धालु प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते थे, दर्शनार्थी साइड में खड़े हुए थे क्योंकि आज पूरा अनुमान था कि मॉर्निंग में प्राचीन गुफा खुल जाएगी और वैसा ही हुआ है कि मॉर्निंग में प्राचीन गुफा खुल गई है और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक गुफा को खोला जाएगा ताकि जितने भी श्रद्धालु है उन सबको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाए। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। भैरव घाटी को जी जाते समय जो सबसे पहली सीढ़ियाँ आती है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो सीढ़ी आपको मिलने वाली है वो नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं, आप आराम से भैरव घाटी तक पहुँच सकते हो। आपको ये सेम जगह का दृश्य एक दिन पहले दिखाया था हमने, मैंने आप अपनी वीडियो में अपने व्लॉग में तब आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ थी, लेकिन जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही बर्फ पिघलती जा रही है। और देख सकते हैं जी कटरा में धूप निकल आई है और भवन पर भी सूर्य देव चमकना शुरू हो गए हैं। देखो जी आपको यहां पर रोपवे के अंदर श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए जी। जय माता दी। भैरव घाटी जाते समय हमें हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया जी। कहाँ से आए हैं आप? टोहाना हरियाणा से आए हैं। दर्शन कैसे रहे आपके? और जैसा कि मैम ने बताया कि इन्होंने वीडियो देखी थी हमारी अटका आरती में फ्री में कैसे बैठ सकते हैं, और
उसका आपको फायदा मिला या नहीं ये बताइए। कल हमने इन्फॉर्मेशन मिली हमें ट्रेन में और आ जाते ही हमें अटकारती में फ्री में बैठने का मौका मिल गया। थैंक यू मैम। हमें बताया था कि 5 बजे जो है 5 या 5:10 के बीच लाइन में लग जाएंगे अगर स्काई वो स्काई वे की तो नंबर आने के चांस हो जाते, तो हम बिल्कुल 5 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे और अटकारती में बिल्कुल मेन हॉल में जहाँ 2000 की पर्ची होती है वहाँ पे हमारे बिल्कुल फ्री में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय करम माँ शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। घर घाटी पहुँचने वाले हैं जी, देखो ये रोपवे निकला है अभी श्रद्धालुओं को लेकर, ये जा रहा नीचे की ओर और हम बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इसका जो मेन टॉप फ्लोर है वो भैरव घाटी का व्यू पॉइंट है जी, वहाँ पर जाकर आपको दृश्य भी दिखाया जाएगा घाटी का। यहाँ पर देख सकते हो इधर आपको ये भी ये जो बर्फ़ है ये भी कुल समझ लो 3-4 दिनों में सारी पिघल जाएगी और अगले आने वाले 10 दिनों तक बर्फबारी के कोई भी आसार नहीं है। सांस फूल गई है जी चढ़ते चढ़ते, बोलते बोलते शूट करते जाते हैं जब तो बस हल्का हल्का सांस फूल ही जाता है। जय माता दी। पहुंच गया जी भैरव घाटी, देख सकते हैं जय माता दी, आपको सारा दृश्य दिखाते हैं भैरव घाटी से। तो कमेंट सेक्शन में भैरव बाबा की जय जरूर लिखे। भंडारे हॉल में हम आ गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भंडारा हॉल बनाया गया है श्राइन बोर्ड के द्वारा। पानी पीने की फैसिलिटी अवेलेबल है, गर्म पानी ठंडा पानी नॉर्मल पानी सब मिल जाएगा। देख सकते हैं जी बहुत ही बड़ा भंडारा हॉल है और यहाँ पर सारे श्रद्धालुओं को भंडारा लेना पड़ता है लाइन में लगकर और आगे प्रस्थान करते रहते हैं। चाय की भी सुविधा उपलब्ध है और भंडारे की भी सुविधा उपलब्ध है। समय की बात करें तो सुबह 7 बजे भंडारा शुरू हो जाता है दोपहर 3 बजे तक और शाम को 4 बजे शुरू होता है रात के 12 बजे तक। जय माता दी। भैरव घाटी पहुंच गए हैं, यहाँ का आप आज का दृश्य देख सकते हैं। कल यहाँ पर बहुत बर्फबारी हो रही थी लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो सारी भैरव घाटी बादलों से घिरी हुई है और सामने है जी भैरव बाबा जी का, श्री भैरवनाथ जी का पवित्र मंदिर जहाँ पर भैरव बाबा जी के शीश के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं इस मंदिर में। जय माता दी। देखो जी आपको यहाँ से कश्मीर की वादियाँ दिखाई दे रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखा है देखा है देखा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है जी? हम आप ही पंजाबी हो? कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो? कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छे यात्रा अच्छी रही? बहुत बढ़िया। चलो जी आशा करते हैं माँ भगवती आप सभी की यात्रा सफल करे। बाकी भी देखा करो, अभी तमिलनाडु का ट्रिप किया था वो भी देखो, रामेश्वरम की वीडियोस देखो जाकर जरूर और अपना प्यार बनाकर रखो भरपूर। जय माता दी। जय माता दी। देख सकते हैं जी सामने आपको कश्मीर की वादियां दिखाई दे रही होंगी जी हल्की हल्की, ये सारी है जी पीर पंजाल रेंज। ये मिडल में जो आपको हल्की हल्की व्हाइट बर्फ दिखाई दे रही है ये है जी पीर पंजाल रेंज और यहाँ से आपको बाकी का दृश्य दिखाई दे रहा होगा घाटी का। जय माता दी। तो जी भैरव घाटी का आपको दृश्य दिखा दिया है, अभी के लिए प्रस्थान किया जा रहा है सांझी छत की तरफ। सांझी छत आपको आज लेकर चलते हैं और सांझी छत का सारा करंट दृश्य दिखाते हैं और फिर सांझी छत से फिर से हम आ जाएंगे माता रानी जी के पवित्र भवन पर। जय माता दी। देखो जी बढ़ रहे हैं सांझी छत की तरफ, चारों तरफ आपको कोहरा ही दिखाई दे रहा होगा और ये सांझी छत वाली साइड आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बर्फ ज्यादा है। ये ऐसा है कि थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पर आ जाते हैं हम तो आपको यहाँ पर बर्फ ज्यादा दिखाई दे रही होगी। जय माता दी। बाकी यार चलते जा रहे हैं, अभी जब वापस भवन पहुंचेंगे भवन पे जाके आज का बेड लेते हैं अपना, ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा मतलब रिक्वेस्ट करके देखेंगे अगर मिल जाए तो बढ़िया। वैसे आज की जो बुकिंग है ना वो हमारे साथ जो विनोद भैया पता नहीं किधर चले गए, विनोद भैया के नाम पे बुकिंग वैसे आज हमारी है अर्धकुंवारी में, लेकिन दिल कर रहा है कि हम भवन पे ही रुक जाएं और फिर कल सुबह सुबह
प्लान बन रहा है कि नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे और नीचे जाके हम सीधा पटनी टॉप की तरफ निकल जाएंगे। देख सकते हो जी, अचानक से ठंड बढ़ गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और बढ़ते जा रहे हैं हम सांझी छत की तरफ। यहाँ पर देखो ऊपर कितनी बर्फबारी है, और अगर आप इस रास्ते से शाम को या रात को उतरते हो ना, आपको यहाँ पर अपना वानर सेना बहुत दिखाई देती है, जो कि आपसे खाना वगैरह छीनती है जी खाने के लिए। तो हल्का सा इस चीज़ का भी ध्यान रखा कीजिए, बस डरना नहीं है और इनको कुछ कहना नहीं है। अगर आप इनको कुछ कहोगे तो भाई पूरी टोली आ जाती है, सही में बताऊँ तो डराने के लिए पूरी की पूरी टोली आ जाती है। देखो जी, ऐसे लिफाफे छीन लेते हैं, खाने का प्रसाद के लिफाफे छीन लेते हैं। हालांकि ये शुक्र है कि यहाँ पर ये फोन वगैरह नहीं छीनते। ये देखो जी, जब आप सांझी छत वाली साइड जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये जंगली हिरन देखने को जरूर मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपको जरूर एक या दो हिरन ये दिख जाते हैं। देख सकते हो जी कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी, और ये वानर सेना की टोली के बीच में बस खड़ा हुआ है, जय माता दी, इंतजार कर रहा है कि कोई कुछ खाने को देगा श्रद्धालु। और देख सकते हैं जी श्रद्धालु आ रहे हैं, जय माता दी। ओ, वो देखो आ गया, खाली कर देना, खाली खाली खाली, बस 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 कुछ नहीं है, खिला दिया भाई, एक बिस्किट खिला दिया भाई। बंदर पीछे पड़ जाते हैं यार, कुछ भी निकाल नहीं सकते बैग से या हाथों से या पॉकेट से। देखो जी कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से, और धूप अच्छे तरीके से निकल आई है, वो देख सकते हो जी। आपको यहाँ से कटरा का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। सांझी छत पहुंचने में अभी कुल अगर बात की जाए 650 से 700 मीटर का फासला अभी हमने तय करना है। और एक आप चीज देख पा रहे होंगे कि भाई इस रूट से, इस मार्ग से कोई श्रद्धालु भी आपको नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि जैसे सर्दियां हैं, एक तो श्रद्धालु वैसे ही कम है, और ज्यादातर जो 90% श्रद्धालु होते हैं वो वापिस हिमकोटी वाले रास्ते से ही कटरा की ओर प्रस्थान करते हैं। सांझी छत पहुंच गए हैं हम, देख पा रहे होंगे सारे श्रद्धालु यहाँ पर सूरज जी की किरणों का आनंद लेते हुए, धूप का आनंद उठा रहे हैं। इधर से सामने देख सकते हैं जी, ये रास्ता भवन की ओर जा रहा है, जहाँ से हम वापस भवन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और अगर आप नीचे वाला रास्ता देखेंगे तो नीचे वाला रास्ता जा रहा है जी सीधा अर्थकुआरी से होकर कटरा की ओर। देख सकते हैं जी सांझी छत में बहुत ही बड़ी LED स्क्रीन लगाई हुई है, जब आरती होती है तो यहाँ पर सारी आरती प्रसारित की जाती है, और वैसे भी भजन कीर्तन यहाँ पर चलते ही रहते हैं। और यहाँ से आप दृश्य देख पा रहे हैं जी घाटी के, जय माता दी। काफी लोग पूछते हैं जी, लास्ट वीडियो में काफी लोगों ने ये पूछा है कि हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी अभी के लिए चल रही है या नहीं। तो ऐसा डिपेंड करता है जी, अगर तो बारिश और बर्फबारी होती है उस टाइम के लिए हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है उसे बंद कर दिया जाता है टेम्पररी बेसिस पर। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है, मैटर नहीं करता कि धूप निकल रही है या नहीं, अगर मौसम साफ है तो हेलीकॉप्टर जरूर चलते हैं और श्रद्धालुओं को सांझी छत तक लेके आ जाते हैं। आप कटरा से हेली की टिकट्स लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर सांझी छत तक आ सकते हैं, और सांझी छत में फिर यहाँ से आप घोड़ा या फिर खच्चर या फिर पिट्ठू पालकी की सुविधा लेकर या फिर पैदल मार्ग से होकर भवन तक पहुँच सकते हैं। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि हेलीपैड से भवन कितनी दूर है। हेलीपैड से भवन जी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, और अगर आप पैदल जाना चाहो आप इजीली पैदल जा सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी चढ़ाई आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, यहाँ से एकदम सीधा सीधा नीचे रास्ता जा रहा है और प्लेन रास्ता है, जो कि आप 2 किलोमीटर चलकर भवन तक पहुंच सकते हो। ये देखिए जी सामने लिखा भी हुआ है वे टू हेलीपैड। काफी लोग जो पहली बार आते हैं उनको लगता है कि हेलीपैड के आगे लॉकर्स की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, और वो अपना सारा सामान हेलीपैड के जस्ट बाहर आकर लॉकर में सबमिट करवाकर, जूते वगैरह सबमिट करवाकर नंगे पांव आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि भवन पे भी लॉकर्स अवेलेबल है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, भवन में बहुत सारे लॉकर्स अवेलेबल है, लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 4, लॉकर नंबर 6 और 3 अभी तो अंडर मेंटेनेंस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर भी कुछ नया जल्दी से लाया जाएगा। अभी के लिए देख सकते हैं जी हम सांझी छत के प्रसाद भवन पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की उचित सुविधा उपलब्ध है, हलवा प्रसाद की उचित सुविधा उपलब्ध है। देख सकते हैं जी यहाँ पर लिखा हुआ है डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू टेक फ्री हलवा प्रसाद हियर, भक्तों से निवेदन है कि वे यहाँ निःशुल्क हलवा प्रसाद ग्रहण करें, जय माता दी।
ये देखिए जी प्रसाद, प्रसाद काउंटर। इसकी टाइमिंग्स भी है जी, आप देख पा रहे होंगे सुबह साढ़े सात बजे से लेकर 2:30 बजे तक, दोपहर में 3:30 से लेकर 10:30 बजे तक, और रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर हलवा प्रसाद की उचित व्यवस्था उपलब्ध है, देख पा रहे होंगे आप सभी। और देख सकते हैं जी घाटी में एक बार फिर से काले बादल छा गए हैं, जो कि हल्की हल्की बरसात या फिर हल्की हल्की स्नोफॉल लेकर आ जाएंगे पहाड़ों पर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। देख सकते हैं जी महामाई का प्रसाद आ गया है ग्रहण करने के लिए, और आप भी ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जी हॉल में आकर। देख सकते हैं सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि महामाई का ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय माता दी। चले जी हम भी अब प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपसे थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं। जय माता दी। प्रसाद भवन से जी बाहर आ गए हैं प्रसाद ग्रहण करके, और अभी माता रानी के भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन अभी भैरव घाटी से कुछ श्रद्धालु आ रहे थे, जिनसे हमें पता लगा कि भैरव घाटी में हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है। तो ऐसे ही है कि जब भी थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है भैरव घाटी पे, तो हल्की हल्की स्नोफॉल होती जा ही रही है। देख सकते हैं अगर मौसम क्लियर हो तो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर जाते हुए देख सकते हैं हेलीपैड पे। ATM की सुविधा भी उपलब्ध है और चलते जा रहे हैं। जय माता दी। वो देखिए जी वो रहा सामने हेलीपैड, दिखाई दे रहा होगा आपको। जय माता दी। हेलीकॉप्टर से जब आप उतरते हैं तो देखते हैं, देख सकते हैं ऊपर से आप आते हैं और फिर आप सीधा भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। देख सकते हैं जी यहाँ पर लिखा हुआ है पंछी व्यू पॉइंट। पंछी व्यू पॉइंट ऐसा है कि इस जगह का नाम है पंछी व्यू पॉइंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको अलग अलग तरह के पंछी दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस जगह का नाम ही है पंछी व्यू पॉइंट। नीचे वाला आप मार्ग देख रहे हो, ये हिमकोटी वाला रास्ता है, और वो देखिए सामने है माता रानी का भवन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। ये देखिए ये जा रहा है सानी छत वाला रास्ता, और ऊपर भैरव घाटी में हो रही है हल्की हल्की स्नोफॉल, और इधर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है। देख सकते हैं जी। जय माता दी। पूरे 4 घंटे लग गए भवन में वापिस आते आते। सुबह 10:30-10:30 के आसपास निकले थे ऊपर भैरव घाटी से, साई छत वाली साइड होते हुए हम वापिस भवन पे आए हैं। और अगर अभी की बात करें तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, और अब हमारे जो विनोद भैया है वो कुछ तिगड़म लगाएंगे ताकि हमें कम से कम एक डोरमेट्री बेड तो मिल ही जाए आराम करने के लिए। और शायद आज की नाइट हमारी लास्ट नाइट है भवन पे इस ट्रिप के लिए। बाकी आशा करेंगे कि महामाई हमें निरंतर बुलावा भेजती रहे और हम निरंतर आप सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाते रहें। देख सकते हैं कि जैसे भैरव घाटी पे मौसम खराब हुआ था, हल्के हल्के बादल तो सानी छत में भी आए थे, लेकिन भवन पे भी देख सकते हैं कि भवन पर भी जो मौसम है वो बदल चुका है। जय माता दी। मनोकामना भवन में आ गया जी। इस समय हमारे विनोद भैया ने कुछ ना कुछ तिगड़म लगा लिया और हमें डोरमेट्री बेड मिल गए हैं जी। देख सकते हैं 302 कमरे में 1920 डोरमेट्री हमारा है। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि एक मिल जाए, एक पे ही दोनों एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन माता रानी की कृपा हुई 2 बेड मिल गए हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। और आज ऐसा है कि आज भीड़ ना कम है, सोमवार है ना, तो स्टार्ट हुआ है जैसे वीक, तो काफ़ी लोग संडे को ही वापस निकल चुके हैं, इसलिए हमें डोरमेट्री बेड मिल चुके हैं। वैसे बात की जाए 50% भवन अभी मनोकामना भवन खाली पड़ा है, तो मेरे हिसाब से आज जो भी ऑफलाइन बुकिंग लेने आएगा उसको ऑफलाइन बुकिंग दे दी जाएगी। देख सकते हैं जी हमारा 302 रूम में डोरमेट्री है, ताला हम खुद ही खोलने वाले हैं क्योंकि आज भीड़ ही नहीं है, संख्या बिल्कुल कम है। देख सकते हो कि सारे बेड अंदर खाली पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से आज जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं ऑफलाइन बुकिंग वाले, आज सबको बेड मिलने वाला है। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी नीचे से कटरा से ऊपर आ रहे हैं भवन पर, जिन्होंने मेरे को बताया कि उन्हें दुर्गा भवन में डोरमेट्री मिल चुका है। और देख सकते हो जी जिसका ये बेड है उसके तो नज़ारे हैं, क्योंकि देखो जी हर वक्त आंखें महामाई के भवन पर ही रहेंगी। जय माता दी। अगर जी आज ठंड की बात करें, जितनी ठंड भी अभी तक पड़ी है आज सबसे ज़्यादा ठंड है भवन पर।
देख पा रहे होंगे जी आप सभी, इधर लाइन में लगे हुए हैं श्रद्धालु रोपवे में जाने के लिए भैरव घाटी तक। और कुछ श्रद्धालु के आप तिलक देख सकते हैं जी, जो कि महामाई के दर्शन प्राप्त करके बाहर आ चुके हैं। गुफा जी आज भी खुली थी कुछ घंटों के लिए और काफी सारे श्रद्धालुओं ने प्राचीन गुफा से आज सोमवार के दिन 5 फरवरी 2024 महामाई के पिंडी स्वरूप के दर्शन किए, माता रानी जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाई। जय माता दी। आज भवन पे रुकने की मेरी इच्छा इसीलिए है कि मैं आज फिर से एक बार अटका आरती में शामिल होना चाहता हूँ जी, ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ कि महामाई की आज्ञा के साथ आज एक बार फिर से अटका आरती अटेंड की जाए। देख सकते हैं जी इस साइड है माता रानी का भवन, मौसम का भी कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा, पल में तोला और पल में मासा, मौसम का भी कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है जी। कभी बादल आ रहे हैं, कभी बादल जा रहे हैं, कभी हल्की हल्की वर्षा आ रही है और कभी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, ऐसा चल रहा है जी। तो देख सकते हो आप सभी ताज़ा दृश्य माता श्री वैष्णो देवी जी के भवन का। और एक बार फिर से आपको स्काई वॉक की लाइन दिखाते हैं जी, स्काई वॉक एकदम खाली पड़ा है जी, देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम श्रद्धालुओं की संख्या जो कि महामाई के दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं इस समय। जय माता दी। तो एक बार फिर से महामाई की शयनकालीन आरती या फिर सायनकालीन आरती आप बोल सकते हैं, महामाई की आरती में अटका आरती में आज एक बार फिर से हाजिरी लगाई जाए 5 फरवरी 2024 को। अगर आप सभी मेरे को आरती में सपोर्ट करेंगे तो वीडियो भेज देना, हर रोज बोल रहा हूँ और काफ़ी लोग वीडियोज भेजते भी है, फोटोज भेजते भी है, काफ़ी अच्छा लगता है जी। और बस जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिखिए पटनी टॉप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाई जाएगी। जय माता दी। जय माता दी। भक्तों आज 5 फरवरी 2024 की अटका आरती सायंकालीन आरती में एक बार फिर से माँ भगवती जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने का मुझे मौका प्राप्त हुआ, काफ़ी अलौकिक अनुभव रहा जी। आप सभी को जैसा पता है पिछले 3 दिनों से जो शाम की अटका आरती हो रही है, शयनकालीन आरती या सायंकालीन आरती जो महामाई की हो रही है उसमें हाजिरी लगाई जा रही है और महामाई ने अपनी अपार कृपा, अपनी अनुपम कृपा बनाकर रखी है। और साथ ही साथ अटका आरती के बाद पुजारी जी से प्रसाद मिला और उसके बाद फिर महामाई जी के पिंडी स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए, एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। आज के दिन ऐसा है कि जब आरती कंप्लीट हो जाती है ना उसके बाद भजन कीर्तन चलता है अंदर, और मणिंदर जी द्वारा भी भजन गाए गए, आज कुल 3 भजन गाए गए और एक्सपीरियंस हर चीज़ का अपना ही था। मैं ये जो वाक्य है इसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। देख सकते हैं शाम से माता रानी के भवन पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य हुआ पड़ा है, बादलों से घिरी हुई है जी सारी घाटी, देख सकते हैं यहाँ पर आप महामाई जी के पवित्र भवन के दर्शन कर रहे होंगे। जय माता दी। और ये देखिए जी स्काई वॉक दिखा रहे हैं अभी हम आपको, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। एक चीज आपको बताना चाहूंगा अटका आरती के बारे में, जैसा कि पिछले 2-3 ब्लॉग से मैंने आपको बताया कि आप फ्री में अटका आरती में बैठ सकते हो, तो भाई कुछ बंदों ने क्या किया, वो अटका आरती मतलब उधर ऊपर 2 नंबर वाले गेट के काउंटर पे चले गए जब अटका आरती शुरू होने वाली थी और कहने लगे कि वीडियो में तो बताया गया है, मतलब मेरी वीडियो नहीं, पता नहीं उन्होंने ऐसा बोला कि हमें तो ऐसा पता लगा है कि किसी की वीडियो के माध्यम से कि आरती फ्री हो गई है पूरी। तो यार मैंने कभी नहीं बोला है कि आरती पूरी फ्री हो गई है, ये मेरे को किसी से इन्फॉर्मेशन मिली, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आरती पूरी फ्री नहीं हुई है, आरती अभी भी टिकट के साथ बैठ सकते हो आप, लेकिन कुछ जो लकी श्रद्धालु होते हैं उनको माता रानी जी के श्री चरणों में बैठने का मौका प्रदान किया जाता है। ये अपने आप है कि जो बंदा एक टाइम पे आकर लाइन में लग जाए उसको फिर जब लाइन बढ़ती है आरती के लिए, कुछ बंदे नारियल प्रांगण में और कुछ बंदे अटका आरती प्रांगण में प्राचीन गुफा के सामने बिठाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी अटका आरती ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को गांठ बांध के समझ लीजिए। और अगर
दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। देखिए जी, भूख प्यास की तो क्या ही बात करें, आप जो वीडियो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल, उससे ही मोटिवेशन मिलती है, उससे ही पेट भर जाता है सच में बताऊं तो। बाकी आज ये हमारी अंतिम रात है इस ट्रिप की भवन पर, कल सुबह होते ही 4 बजे हम वापस कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे और 6:30 बजे तक नीचे पहुंच जाएंगे। नीचे जाके नाश्ता पानी ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे पटनी टॉप के लिए। पटनी टॉप की वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ कि अगर आप बजट में पटनी टॉप ट्रैवल करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। आज जब आरती संपन्न हुई, पंडित जी द्वारा अयोध्या का एक्सपीरियंस शेयर किया गया, वार्तालाप हुई पुजारी जी से, ऐसा है कि जब हम कल 4 तारीख को आरती में बैठे थे तो पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला था कि अयोध्या के बारे में बातें करनी है सभी श्रद्धालुओं से, लेकिन कल ठंड ज्यादा होने के कारण उन्होंने बोला था कि हम 5 तारीख को मतलब आज के दिन शाम की आरती में आप सबसे अयोध्या का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है जी अयोध्या में और रामलला विराजमान हो गए हैं जी बाल स्वरूप में। आप सबको बताना चाहूंगा कि अयोध्या से भवन पर भी इन्विटेशन आया था प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, सम्मिलित होने का, और यहाँ से भवन से पंडित जी गए भी थे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, और पुजारी जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनकी बातें सुन के इतना आनंद मिला कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। अगर आपने पूरी आरती सुनी है, पूरी आरती देखी है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी वो अनुभव कर पा रहे होंगे जो कि मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। और पुजारी जी ने बताया कि जो भी मन में चीज़ें थी, जो भी सोचा हुआ था, और वहाँ पे जाके सब कुछ भूल गए, बस रामलला के दर्शन करते रहे। जय माता दी, जय श्री राम। अभी कालिका भवन से मैं नीचे उतर रहा हूँ। बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अटका आरती कंप्लीट हुई ना, जो पीछे लाइन लगी होती है, मुश्किल से आधा घंटा लिया होगा जी, स्टाफ ने सारी लाइन को दर्शन करवा दिए हैं और देख सकते हैं जी स्काई वॉक पूरा खाली हो चुका है। अभी अगर बात करें तो 9:15 का टाइम हो गया है। देखो जी, जैसे आज है वीकडे, सोमवार का दिन है, तो बहुत ही कम श्रद्धालु आपको भवन पे दिखाई दे रहे होंगे, और सोमवार होने के कारण भोले बाबा जी के दर पर भी हाजिरी लगा दी है। भोले बाबा के, भोले भंडारी जी के दर्शन कर लिए, श्री राम जी के भी दर्शन कर लिए आज, और बस अब हम बढ़ने वाले कुछ ही देर में खाना खाने के लिए। जय माता दी, जयकारा शेर वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। देख सकते हैं जी, दिल्ली से हमारे कुछ सब्सक्राइबर आए हैं, YouTube फैमिली मेंबर्स आए हैं। आपकी यात्रा कैसे रही सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया यात्रा रही। ये वाली यात्रा हम सचिन जी की 3 तारीख की वीडियो को देख के आए हैं, और हमारा मेरा जब मैं 3 को घर में बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि काश हमें मिल जाए सचिन वहाँ पे, काश मिल जाए, और शायद मेरी बात सच हुई। माता रानी ने इनको, माता रानी ने सुन ली, माता रानी ने 2 दिन इनको 3 दिन यही रखा, और आज ही हमसे मिलने लिए, और सुबह मैं निकलने भी वाला हूँ यहाँ से, समझ लो इनसे मिलने के लिए रुका हुआ था। बिल्कुल, और यात्रा का एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन इन्होंने वीडियो देखी थी उस दिन से ही मेरे पीछे पड़ गई, और इनफैक्ट लिटरली माता रानी के रोने लग गए, मैं रोने लग गई, मुझे हर हालत में जाना ही जाना, मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम था, इतना इम्पोर्टेंट काम था आज मंडे को, बट इसने मुझे ऐसे मुश्किल किया, और सब ये सचिन जी की मेहरबानी है, माता रानी की मेहरबानी। 4 दिन पहले मुझे बुखार था और मुझे घर से डांट पड़ रही थी कि वहाँ तबीयत खराब हो गई, 15 दिन से तबीयत ठीक से, और 4 दिन पहले भी मुझे बुखार था, लेकिन मेरे का मुझे जाना ही जाना है, और सचिन जी की वीडियो सच में, सच में मैं ये कहना चाहूंगा सचिन जी के बहाने लाखों लोग जुड़ गए। चलो मैं तो जरिया बन रहा हूँ, बाकी महामाई ऐसे ही निरंतर बुलावा भेजते रहे जी सभी श्रद्धालुओं को। और एक स्पेशल चीज बोलना चाहूंगा वीडियो में, जो कि अभी पता लगी कि वेडिंग एनिवर्सरी है जी कल, मैडम जी कंग्रेचुलेट कर दीजिएगा इनको, आप सभी भी मैंने तो कर दिया, कंग्रेचुलेट कर दिया इनको, बाकी ये भी अभी वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबका, माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी का आशीर्वाद ही लेने आए हम, इनके बहाने हर महीने दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी। बाकी अभी ये भी वेट कर रहे हैं कि प्राचीन गुफा शायद खुल जाए 10:30 बजे के आसपास, अगर खुलती है तो ये भी प्रस्थान कर जाएंगे प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए। जयकारा लगाते जल्दी से, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, से बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, मानी सुनिया जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता की जय, माता दी सुना भी बोले, जय माता दी 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 फैमिली, जय माता दी बोलो, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। फाइनली जी खाना खाने आ गए हैं अपने इधर, जय माता दी विनोद भैया। चलिए जी अब अपना खाना ग्रहण करते हैं जल्दी से, फिर अपनी
वीडियो एडिटिंग वगैरह शुरू करेंगे हम। आपको जैसे पता है सुबह 4 बजे हम वापस निकलने वाले हैं कटरा की ओर और फिर जाएंगे पटनी टॉप। आपको एक क्विक अपडेट देंगे डिनर करने के बाद कि गुफा खुल रही है आज रात को यानी, ताकि आप सबको अंदाजा हो जाए कि अगर आप भी दर्शन करने आ रहे हैं प्राचीन गुफा से तो आपको किस टाइम पे गुफा की लाइन में लगना है दर्शन करने के लिए प्राचीन गुफा से। जय माता। तो देख सकते हैं जी हमारे साथ हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर जो कि आए हैं दिल्ली से। ये बंदा शाम में मेरे को मिला था और जब मैं मतलब आरती की लाइन में लगने वाला था, शायद आपने शाम की क्लिप में इसे देखा हो। तो बस भाई को भी हमारे साथ अटका आरती में बैठने का मौका मिल गया महामाई ने कृपा की। और कल भाई का जन्मदिन है, कल के लिए इसने पे टिकट ली हुई है। अबे यार क्या जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कर लिए दर्शन? कर लिए, कर लिए। ओ क्या बात है, आ जाओ आप भी आ जाओ वीडियो में। तो हमारी बहुत वीडियो देखी, लाइक करते हो? हाँ देख लो, मैं चेक कर लूंगा। हाँ हाँ एकदम सही बोला, जय माता दी। और कल कल सुबह और भाई के साथ आरती में बैठने का मौका मिला हमें, कैसा राजी एक्सपीरियंस आरती में बैठने का? आनंद, स्वर्ग का नजारे ले लिए आरती में बैठ के, सब सचिन भैया की वजह से। मेरी मेरी वजह से नहीं, मैं तो चलो जरिया बन रहा हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये तो माँ भगवती की कृपा है कि उनकी गोद में जाकर बैठने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। बाकी भाई ने तो टिकट भी ले रखी है कल मॉर्निंग की अटका आरती के लिए। और टोकन नंबर कितना मिला? 25 टोकन नंबर मिला भाई को सुबह। कितना कितने भाई का रिपोर्टिंग टाइम बताया? 5:30 रिपोर्टिंग टाइम बताया। 6 बजे इनकी एंट्रेंस शुरू हो जाएगी 2 नंबर गेट से और 6:20 से आरती हो जाएगी शुरू। जे करा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। देखो जी सबर का फल कहते हैं जी मीठा होता है। गुफा खुल गई है, 11:30 बजे का समय है और देख सकते हैं जी पूरा भवन माँ के जयकारों से गूंज उठा एक बार फिर से। जय माता दी, 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 जय माता। तो ये जो अब लाइन लग जाएगी लंबी, यहाँ से ऐसा होगा कि जितने भी श्रद्धालु हैं 100 श्रद्धालु छोड़े जाएंगे एक बार में, 100 श्रद्धालु छोड़े जाएंगे प्राचीन गुफा के लिए। पीछे जो रह जाएंगे उनको फिर से यहाँ पर रोका जाएगा। ऐसे 100-100 के ग्रुप में श्रद्धालु आगे छोड़े जाएंगे और प्राचीन गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे जी श्रद्धालुओं को। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दूँ, 5 फरवरी का रात में 11:30 बजे एक बार फिर से गुफा खुल गई है। 5 फरवरी को दिन में भी गुफा खुली थी और एक बार फिर से रात में भी खुल गई है गुफा। जय माता दी। एक और चीज बताता हूँ आपको, जैसे ही गुफा खुली है मैं आपको हर बार बताता हूँ, गुफा खुलते ही 5 नंबर गेट से केवल आर्मी वालों को जाने दिया जाता है या जिनके पास पास होता है। सारे श्रद्धालु देखो ट्राई कर रहे हैं यहाँ से बिना पास पे जाने का, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी जब तक गुफा खुली हुई है। नॉर्मल यात्री को यहाँ पर या फिर CRPF वालों को या फिर आर्मी वालों को ही मिलेगी एंट्री। नॉर्मल यात्री को अब 3 नंबर गेट से एंट्री करनी पड़ेगी और पूरा स्काई वॉक घूम के उनको लाइन में लगना पड़ेगा। इसी नोट पर अपने आज का व्लॉग करते हैं जी कंप्लीट, रैप अप करते हैं आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये जो 4 दिन के व्लॉग्स थे आप सभी ने इंजॉय किए होंगे, आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। कैसे हो जी? जय माता दी, जय माता दी। पहुंचे भवन पे? और कहाँ से आए हो? जलंधर से। ओह जलंधर, मैं भी जलंधर। हाँ मैंने अभी आपका 2 दिन पहले ही व्लॉग देखा था। अच्छा यात्रा ऐसी रही? बढ़िया। प्राचीन गुफा खुल गई, दर्शन कर लो जाके। खुल गई है, पूरी खुल गई है, फ्री है। हाँ फ्री है, प्राचीन गुफा तो फ्री है। तो वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में आप सभी को इन्फॉर्मेशन बताई गई है। आशा करता हूँ कि आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। तो आप सभी भी जल्दी से जल्दी माँ भगवती जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने भवन पर जरूर आए। देख सकते हैं जी इस समय मैं मनोकामना में आ पहुंचा हूँ। देख सकते हो जी हमारे सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया जो कि अमृतसर से आए हैं। कैसे रहे जी? जय माता दी। दर्शन कैसे रहे? दर्शन बहुत बढ़िया रहे, अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। दोबारा करने जा रहे हैं क्योंकि प्राचीन गुफा खुल गई है। और यात्रा कैसी रही? यात्रा बहुत बढ़िया रही। जय माता दी, जयकारा माँ शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, थैंक यू सो मच। अब जा रहे हैं जी डोरमेट्री में, रात में वीडियो एडिट करेंगे ताकि आप सुबह ये वीडियो का आनंद प्राप्त कर सके। अब मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पर वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, बाय बाय।